ये भी कहा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने, उन्होंने कहा कि जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई तो उस पे उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त। और अब हमारे पास जब उनसे पूछा गया तो फिर हल क्या, तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या फिर जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें? मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं। एक फॉर्म था जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल, हमारे घर का एड्रेस, हमारे इंटरेस्ट, हमारे ताल्लुकात, ये वो सब कुछ, ईच एंड एवरी डिटेल मांगी गई थी। हमने वो फिल करके वो वापस भेजी। फिर जरा ये बताते हैं कि फिर आईएसआई के लोगों ने उन तमाम 1800 तलबा के तहकीकात की, और वो तहकीकात का मौजू ये था कि ये जाना जाए कि ये कोई तालिबे इल्म कोई एक्टिविस्ट तो नहीं है, कोई समाजी कारकुन वगैरह, इसके कोई ख्यालात तो नहीं है। फिर ये देखा गया कि उसका सोशल मीडिया क्या है, उसका जायजा लिया गया। फिर उनके घरों पर जाके चेक किया गया कि इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक तो नहीं, इनके सियासी ख्यालात क्या हैं, सियासी व्यवस्थियाँ क्या हैं अगर हैं तो। फिर उनमें से प्रेफर किया गया जो ऐसे बच्चे थे जिनके वालिद या माँ में से कोई पाक फौज का हिस्सा रहे हैं, और यूं करके 250 उनमें से तलबा सेलेक्ट किए गए कि वो जो देखे गए कि बड़े अच्छे ख्यालात के हामिल हैं, बड़ी मुस्बत सोच रखते हैं पाक फौज के बारे में, उनको फिर इस में बैठने की इजाज़त दी गई कि वो आर्मी चीफ का लेक्चर भी सुनेंगे और उनसे सवाल जवाब भी कर सकेंगे। जो कहते हैं तकरीबन 28 से 30 तलबा ने सवालात भी किए आर्मी चीफ से। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी कि स्पेसिफिकली जो एजेंसीज थी उन्होंने बलूचिस्तान का कोई तालिब इल्म नहीं बैठने दिया, गो के आर्मी चीफ ने इसको किसी और तरीके से उन्होंने देखा इसको, लेकिन बलूचिस्तान के किसी तालिबे इल्म को बैठने की इजाज़त ही नहीं मिली। हुआ ये, जरा ये बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने जब वो आए, उन्होंने लेक्चर वगैरह दिया, उस दौरान उन्होंने फिर सवाल किया कि हाथ खड़ा करें यहाँ पर से बलूचिस्तान के कितने तलबा हैं, तो एक हाथ भी खड़ा नहीं हुआ। तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा कि देखें इतना बड़ा सूबा है और उसका कोई तालिबे इल्म ही नहीं है यहाँ पर, और आप देखेंगे। तो इस तरह की उन्होंने बात की। फिर उसके बाद जनरल कमर बाजवा ने बातें की मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर। उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वहाँ पे हफीज़ बलोच के बारे में उन्होंने बात की, जो भी जिसके लिए पिछले 17 रोज से इस्लामाबाद में कैंप लगा रखा है, धरना दे रखा है बलोच तलबा ने, कि हफीज़ बलोच जो लापता है उनको रिहा किया जाए, जो कायद यूनिवर्सिटी में एमफिल के तालिबे इल्म है, और खुजदार से उनको गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया था रियासती इदारों की तरफ से। उसके बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि देखें बलूचिस्तान की डायनामिक्स डिफरेंट हैं, और वहाँ पर जो अब इंसर्जेंसी हो रही है, वो जो अमेरिका असला छोड़ के गया है, उस असले के जो नाइट विजन गूगल्स हैं और जिस तरह हैं वो चीज़ें इनके हाथ लग गई हैं, और बड़े वेल ट्रेंड इंसर्जेंट्स हैं, तो उनका अटैक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, वो बड़ी महारत से उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। फिर उन्होंने कहा कि जो हफीज़ बलोच के लिए अभी कैंप लगा हुआ है जिस तालिबे इल्म के लिए, वो हमने नहीं, पाक फौज ने नहीं उठाया, ना हमारी किसी एजेंसी ने उठाया, उसको CTD ने उठाया है, बकौल आर्मी चीफ के उसको CTD ने उठाया, क्योंकि उसके मोबाइल में उसके रबते मिले थे BLA के लोगों से जिनसे वो बातचीत कर रहे थे। तो वो मामला देख रही है CTD, और वो भी जो भी उस पर नतीजे पहुंचेगी तो फिर उसके मुताबिक या तो हफीज़ बलोच को रिहा कर दिया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक तो ये उन्होंने बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि ये वज़ारत इमरान खान पे बात आ रही है, तो उन्होंने वज़ारत इमरान खान से भी अपने इख्तलाफात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को मैंने कहा था कि जो UNGC में जो यूक्रेन के ऊपर हो रहा है रेजोल्यूशन, उसके ऊपर पाकिस्तान को रूस के यूक्रेन पर हमले के मजम्मत में वोट देना चाहिए,
और जो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक जो रूस के खिलाफ करारदाद लाए हुए हैं उसके हक में वोट देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान ने मेरी बात नहीं मानी। वो मतलब जिस तरह से बात कर रहे थे वो अपने लिए मैं का सीधा बात करते थे और बाकी लोगों का नाम लेते थे। लेकिन उन्होंने इमरान कह के बात की, उन्होंने कहा कि इमरान को मैंने कहा था कि वोट कर दो, लेकिन इमरान ने वहाँ पे न्यूट्रलिटी को प्रेफर किया और मेरी बात नहीं मानी। और उस पर उन्होंने कहा कि इसके पाकिस्तान को अब कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने होंगे। यकीनन उनका इशारा यूरोपीय यूनियन के जीएसपी प्लस स्टेटस और दीगर चीज़ों की तरफ होगा, जो मगरब से अब पाकिस्तान को बैकलैश आएगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने फिर वहाँ से तलबा से कहा कि देखें आप बातें करते हैं सियासत की, तो इन सियासतदानों को आप ही इलेक्ट करके भेजते हैं। उन्होंने सवाल किया कि हाँ कि आप में से कितनों ने इमरान खान को वोट किया हुआ है। उस ऑडिटोरियम में 250 करीब तलबा थे, तो कहते हैं 90% तलबा ने हाथ खड़ा किया कि हमने इमरान खान को वोट किया था। तो उन्होंने कहा फिर आप खुद बताए ना, आप ही लोग तो इनको लाते हैं, तो फिर हमसे क्या गिला करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा तलबा से, तुलबा उनसे सवालात करते रहे, तो उन तुलबा ने सवालात में उनसे पूछा कि आपने क्यों असतूर पर अटैक किया, अबसार आलम साहब को गोली मारी और हामिद मीर साहब को फेर किया, मतीला जान को अगवा किया। तो मतीला जान पे तो हमें कोई नहीं मिली कि क्या, तुलबा आर्मी चीफ ने जवाब दिया। लेकिन मुजदा चीज़ के बारे में उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जानता था बस, लेकिन किसी ने कर दिया होगा, अपना अपना एजेंडा होता है सबका। और फिर उन्होंने अबसार आलम साहब के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं उनको मारा, हम क्यों गोली मारेंगे, हमारे पास बड़ा सोफिस्टिकेटेड अब सब कुछ है, हम तो चाहे तो 2 किलोमीटर से उनको निशाना बना सकते थे, पता भी नहीं चलता किसने मारा है। हामिद मीर साहब के बारे में उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमारे DGISI पर एक बोहतान लगाया था और वो इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं था, वो जब मेजर थे तो उस वक्त उनको गोली लगी थी, लेकिन इन्होंने उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ मिला दिया। और फिर उनसे पूछा एक तालिबान ने, तो इसका क्या जवाब ये था कि आप उनको ऑफेयर करवा देते, आप जाकर डिफेमेशन को देख लेते। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, डिफेमेशन के पाकिस्तान में कानून ही बड़े कमज़ोर हैं और हमने नहीं उनको ऑफर करवाया था, जियो ने खुद ऑफर करवाया था, अब जियो ने अब खुद उनको ऑन एयर कर दिया है।